गुड मॉर्निंग क्लास श्री रिप्रे चौधरी महाविद्यालय से। मैं आज आपके सामने बीए सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा स्टैटिक्स चल रहा है उसमें आज हमारा जो मीडियन है, मीडियन की जो मेथड हम आपको बता चुके हैं सेमी ग्रुप डेटा से कि मीडियन हम कैसे निकालते हैं। अब हम इस क्लास में उस जो रिवर्सिबल मेथड है, अगर हमें मीडियन को चेक करना है कि ये मीडियन सही निकला है कि नहीं, तो उसके लिए हम रिवर्सिबल मेथड यूज़ करते हैं जो कि हम आपको डिफाइन करने वाले हैं। इसमें जो चीज़ें हैं थोड़ी ही चीज़ें चेंज होती हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादातर सेम रहती हैं। जैसे कि डाटा आपके पास सेम टू सेम है, ठीक है, आपको सीएफ निकालनी है। जैसे उसमें सीएफ हमने नीचे से बनाई थी क्योंकि जो डाटा है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा, इसलिए हमने सीएफ नीचे से बनाई थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें अपोजिट चेक करना है इसलिए हमें डाटा तो वही रहेगा लेकिन अपोजिट चेक कर रहे हैं तो इसलिए अपोजिट सीएफ भी बनेगी, ठीक है। तो सीएफ भी कैसी बनेगी, अपोजिट बनेगी, ठीक है। तो सीएफ भी आप आराम से क्या करेंगे, अपोजिट ही बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें आराम से सबसे पहले हमें कौन सी सीएफ उतारनी है, सबसे पहले हम सीएफ उतारने के लिए 6 उतारेंगे। ऊपर से जो 6 है उसको एज इट इज उतार लेंगे और 6 के बाद हम लोग 6 को 6 में 4 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 3 प्लस करेंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। और 13 के बाद 13 में 5 प्लस करेंगे 18, ठीक है। 18 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 25 में 3 प्लस करेंगे तो 28, 28 में 2 प्लस करेंगे तो 30। और n बराबर कितने हैं, 30 है, और हमारी आखिरी फ्रिक्वेंसी भी 30 है, तो हमारी सी एफ क्या बनी है, सही बनी है। अब देखिए इसमें हमने आपको सी एफ बना दी है जैसे अपन ने पहले बनाई थी वैसे ही बनाई है, बस केवल एक चीज़ चेंज हुई क्योंकि हमें अपोजिट रिजल्ट चेक करना है, इसलिए हमने सी एफ भी अपोजिट तरीके से बनाई है। यानी कि हमने जो सी एफ है वो नीचे से ना बना करके ऊपर की से बनाई है क्योंकि डाटा वही है केवल उसको चेक करना है। तो यहाँ पर जो हमारा जो वहाँ सी एफ बना अपर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अपर वैल्यू किससे निकलेगी हमारी, अपर वैल्यू रहेगी हमारी 25 से, किससे निकलेगी 25 से, ठीक है। लेकिन बस इसमें एक पार्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें अपर वैल्यू निकालने के लिए भी हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अपर वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप लोग आराम से समझ लीजिए, अपर वैल्यू क्या है हमारी, अपर वैल्यू है 25, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे 13, ठीक है। तो 13 इसमें जो सी एफ में जो 13 है वो हमारी एफ ए है, ठीक है। देख लीजिए इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं सी एफ डब्ल्यू है, अपर वैल्यू है डब्ल्यू और ये एफ ए, क्योंकि अपर वैल्यू भी है 6, 4, 10, लास्ट है, ठीक है। जो सूत्र है उसके अप्लाई करना है, ठीक है। हमने सब कुछ तो निकाल लिया है, इतना और इसी के बीच का आंसर मुझे क्या आता है, उनके बीच में 5 आएगा, ठीक। 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक। सब कुछ निकला है, अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, सूत्र की जगह आपको रखिए इसको। चलिए तो आप इसको सॉल्व कीजिए, हमने आपको यहाँ पर देखिए और जो अपर वैल्यू है 24.50 वो हमने आपको लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एन अपॉन टू है वो भी हमने आपके सामने लिख दिया है 30/20, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एफ ए था वो भी हमने आपके सामने लिख दिया है 13 है, एफ डब्ल्यू भी आपके सामने लिखा हुआ 5 है, ठीक है। और जो इंटरवल है वो भी 5 है, तो हमने आपके सामने सब कुछ लिख दिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो एन अपॉन टू निकालिए, यानी कि एन अपॉन टू को डिवाइड कीजिए, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। हमने आपसे
पहले मीडियन निकला था वो भी आपका 22.50 था और ये भी आपका 22.50 है, यानी कि आपका मीडियन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई थिंक हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गए होंगे दोनों, आपको मीन और मीडियन दोनों की तीनों टाइप की डेटा से जो मेथड है वो समझ में आ गई होगी। इसमें कोई डाउट तो आपका होगा नहीं, और अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। अब इसके बाद हम लोग और जो मीडियन है मोड है वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम आपको प्रैक्टिस के लिए हम आपको कुछ डिजिट दे रहे हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिए और घर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए ठीक, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप जब भी सी एफ बनाएंगे ना डाटा की, तो सी एफ बनाते समय एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आर ओ ही डाटा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो सी एफ नीचे से बनाइएगा, क्योंकि नीचे की तरफ लोअर लिमिट है ना, नीचे से है। ठीक है, लेकिन अगर डाटा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो आपको ऊपर से सी एफ बनानी है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, और चूँकि जब आप रिवर्सिबल मेथड यूज़ कर देंगे उसी डाटा की, तो आपको अपोजिट सी एफ बनानी पड़ेगी। अगर आपने नीचे से सी एफ बनाई है तो आपको ऊपर से बनानी है, और अगर ऊपर से बनाई है तो नीचे से बनानी है। ठीक, ये रहेगा। तो डाटा लिखिए, आप लिखिए, आप 30 से 35, 20 से 25, सॉरी 30 से 35, 25 से 30, 30 से 35 हो गया, और 25 से 30, फिर 20 से 25, उसके बाद 15 से 20, फिर लिखिए 10 से 15, 5 से 10, अब लिखिए एफ, 4, 5, 7, 10, 6, 3, एन बराबर 35। ठीक है, एक ये हुई, आप दूसरा लिखिए, लिखिए 0 से 5, ऊपर से ही लिखना है, हमने अपोजिट वाला दिया है आपको ताकि आप दोनों तरीके डेटा को सॉल्व करना सीख जाए। ठीक है, 0 से 5, इसमें जब सी एफ बनाएंगे तो ऊपर से बनेंगे सी एफ। ठीक है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और 25 से 30, ये सी एफ बन गई। अब इसके बाद लिखिए, सॉरी सी आई बन गई, हाँ इसके बाद लिखो आर एफ, 3, 6, 8, 12, 10, 6, एन बराबर 45। ठीक, ये हो गया। ये दो प्रकार का डाटा हमने आपको अलग अलग डाटा दिया ना, एक में सी आई जो है वो ऊपर से नीचे की ओर, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है, और इसमें दूसरे वाले में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो ये दो हो गई। अब हम आपको थोड़ा सा लेंदी डाटा दे रहे हैं, बड़ा सा। ठीक है, थोड़ा बड़ा डाटा देंगे, देखिए 90 से 94, 85 से 89, 80 से 84, 75 से 79, 70 से 74, 65 से 69, 60 से 64, 55 से 59, और 50 से 54। ठीक है, ये आपकी सी आई हुई। अब लिखिए आप एफ, 3, 5, 6, 8, 11, 5, 6, 4, 2, एन बराबर 50। ठीक, एक और लिख लीजिए ज़रा सा, 120 से 140, 100 से 120, 80 से 100, 60 से 80, 40 से 60, 20 से 40, और 0 से 20। ठीक है, अब है एफ, एफ लिखिए 20, 32, 40, 65, 45, 35, 22, एन बराबर 259। ये हो गया। अब आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट होता है आप पूछिएगा, कल हम आपको मोड करा देंगे और कल ही हम आपकी ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।